नमस्कार, प्रकाश पुंज पांडे जी को स्वागत है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है वो कोई आज का नहीं है। लगभग लगभग आज तक 15 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। किस कारण से छोड़ी? जो महत्वाकांक्षा की बात हमारी शिल्पा जी करी थी, हो सकता है कि ये भी हो महत्वाकांक्षा, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने भी कांग्रेस आई बनाई थी कांग्रेस छोड़ के, तो क्या महत्वाकांक्षा थी सबके सामने है। ये एक बहुत बड़ी, मतलब जो भगदड़ मची हुई है इसका श्रृंखला बहुत बड़ा है। अगर इसका इंट्रोस्पेक्ट करें तो मुझे जो समझ में आता है, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण बहुत तेजी से हुआ है पिछले 2 दशक में। जो कम्युनिस्ट खत्म हो गए वो अभी कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, महात्मा गांधी जी के संकल्प को अगर अक्षर से कोई पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ रहा है तो राहुल गांधी जी, और इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी अभी 2 दिन पहले एक पब्लिक डिबेट में बोल दिए कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ यदु जी, क्या किसी और मजहब या पंथ के पवित्र नारे को लेके ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब राहुल गांधी जी को मुस्लिम लीग अगर सेकुलर दिखता है तो ये स्थिति बननी स्वाभाविक है। प्रश्न मात्र इतना है कि अगर कोई नाव डूब रही है, प्रकाश पुंज पांडे जी ने कहा कि भगदड़ मची हुई है, लोग जा रहे हैं महत्वाकांक्षा के कारण जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हो। कोई नाव लगातार डूबते ही जा रही है और आखिरी दम तक तो कोई प्रयास कर रहा है उसको बचाने का, फिर भी उसको वो परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो नाव से कूदेगा ही ना। अपना जान बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन इन बीच जो कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें 2 चीज महत्वपूर्ण आ रही है। एक आ रही है कि भाजपा ने ईडी और सीबीआई के डर से उसको भाजपा ज्वाइन, कांग्रेस से भाजपा में ले आए। अब बताइए, अगर मान लो अशोक चौहान है या गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा है, ये एक्चुअल वास्तविक कांग्रेसी जो है ना, राहुल गांधी से भी ज्यादा कांग्रेसी कोई रहे होंगे तो ये लोग होंगे जो G23 बनाए थे, अभी नहीं 2019 के पहले या लगभग 2019 के समय। तो आखिर क्या कारण था G23 बनाने का? उनका मकसद यही था कि कांग्रेस पार्टी में जो मूल चूल परिवर्तन करना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेसी खत्म हो गए, अभी सिर्फ चापलूस के जरिए कांग्रेस पार्टी चल रही है। उसके मूल कारण ये है कि वहां पे नीतिगत परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अगर नेतृत्वकर्ता अगर रायबरेली भी छोड़ दे, अमेठी भी छोड़ दे, आप सोचिए इसके पहले की राजनीति, आज